नमस्कार, बी टाउन की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। चलिए नजर डालते हैं बॉलीवुड की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। बॉलीवुड की फेमस एक्शन फ्रेंचाइजी सिंघम की तीसरे इंस्टॉलमेंट के साथ ही रोहित शेट्टी जल्द ही हाजिर होने वाले हैं। फिल्म से कई एक्टर्स के लुक सामने आ चुके हैं और अब मेकर्स ने उस एक्टर के लुक को भी शेयर कर दिया है जिसे देखने को इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे थे। सिंघम अगेन से अजय देवगन का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। रोहित शेट्टी ने एक्टर के लुक को शेयर करते हुए लिखा, शेर आतंक मचाता है और जख्मी शेर तबाही। सबके फेवरेट कॉप बाजीराव सिंघम हाजिर है। फैंस ने अजय देवगन के लुक को काफी पसंद किया है। उन्होंने कहा कि वह फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विधु विनोद चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी फिल्म बारहवीं फेल ने शुरुआती दिनों में तगड़ा कलेक्शन किया। 1,11,00,000 से ओपनिंग करने वाली इस फिल्म की कमाई में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन दूसरी फिल्मों की रिलीज के बाद भी बारहवीं फेल बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब रही। बारहवीं फेल ने पहले हफ्ते में 13,04,00,000 का बिजनेस किया था, जबकि दूसरे हफ्ते फिल्म का टोटल कलेक्शन 14,21,00,000 रहा। अब सेग्नल की रिपोर्ट में फिल्म के 25वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। रविवार को वर्ल्ड कप फाइनल मैच के दिन फिल्म ने सिर्फ 6,00,000 तक की कमाई की थी, वहीं सोमवार का कलेक्शन 60,00,000 पर आ रुका है। बिग बॉस 17 में यूके के इन्फ्लुएंसर नावेद सोल की जर्नी खत्म हो गई। उन्होंने शो से बाहर आने के बाद कई बातों का खुलासा किया है। नावेद ने ईशा समर्थ की रिलेशन, उनके बीच होने वाली हरकत से लेकर अंकिता लोखंडे की प्रेगनेंसी टेस्ट पर भी बात की है। नावेद ने घर के अंदर के कुछ ऐसे राज बताए हैं जिसे सुन फैंस के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। जी हां, बिग बॉस हाउस से इविक्ट हुए नावेद सोल ने यूट्यूबर सिद्धार्थ करण को दिए इंटरव्यू में घर वालों के कई राज खोले हैं। इसी में उन्होंने समर्थ और ईशा से जुड़े आपत्तिजनक क्लिप्स पर भी बात की। उन्होंने बताया कि कमल के अंदर दोनों के बीच कौन सी हरकत होती है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई क्लिप को दिखाकर नावेद से पूछा गया कि क्या बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स फिजिकल तक होते हैं। इस क्लिप में ईशा बैठी थी और ब्लैंकेट के अंदर कुछ मूवमेंट हो रहा था। पास में नावेद भी बैठे थे, लेकिन उनका मुंह दूसरे डायरेक्शन में था। चारू असोपा एक्ट्रेस होने के साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं और रोजमर्रा की जिंदगी की फैंस के साथ साझा करती हैं। अब हाल ही में उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह रोती नजर आ रही हैं और एक्ट्रेस के रोने का कारण है उन्हें मुंबई में किराए पर घर नहीं मिल पा रहा है। चारू असोपा माँ बनने के बाद एक बार फिर से छोटे पर्दे पर अपनी वापसी की है। एक्ट्रेस इन दिनों शो कैसा है ये रिश्ता अनजाना समय नजर आ रही है। ऐसे में उन्होंने अपने ब्लॉग में खुलासा किया है कि उन्हें मुंबई जैसे शहर में किराए पर घर कोई नहीं दे रहा है क्योंकि वह सिंगल मदर हैं। एमी अवार्ड्स दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान समारोह में गिना जाता है। न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले इस शो में इस बार ओटीटी प्लेटफॉर्म की 2 सीरीज को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया। इवेंट में वीर दास और एकता कपूर को अवार्ड से नवाजा गया। मशहूर इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान समारोह में गिना जाता है। न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले इस शो में इस बार ओटीटी प्लेटफॉर्म की 2 सीरीज को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया। शेफाली शाह की बेस्ट सीरीज मानी जाने वाली दिल्ली क्राइम 2 और वीर दास की कॉमेडी स्पेशल वीर दास लैंडिंग नॉमिनेट किया गया है। ढेर सारे नॉमिनेशंस के बीच मशहूर प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर एकता कपूर को आर्ट और एंटरटेनमेंट की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। फिलहाल बॉलीवुड की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए बीसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।